अहमदाबाद, जिसकी पहचान थी भारत का मैनचेस्टर, गांधी का साबरमती आश्रम और आज है तेजी से बढ़ता हुआ शहर, जहां एक तरफ है गगनचुंबी इमारतें तो दूसरी तरफ है झुग्गी झोपड़ियों की लंबी कतारें। मगर ये शहर दोनों को बसेरा देता है, आकाश को चूमते लोगों को और धरती में समाते इंसानों को भी, साथ ही साथ हिंदू मुस्लिमों को भी समान रूप से जगा देता है ये शहर। चूंकि कल का नगर अब महानगर में तब्दील हो चुका है, रोजगार के नए अवसर बढ़े हैं, बड़ी संख्या में लोगों का यहाँ आकर बसना हुआ है, साथ ही साथ तमाम तरह की जद्दोजहद और परेशानियां भी बढ़ी हैं। ऐसे में जब पूरे देश, कस्बे, गांव-गांव में साक्षरता आंदोलन की गूंज उठी तो भला ये शहर साक्षरता के हथियार क ख ग की लहर से अपने आप को कैसे अलग रख पाता। मगर शुरुआती दौर के हालात साक्षरता कर्मियों के लिए निराशाजनक थे। जैसे कि परेश कुमार मोरजी भाई सोलंकी को ही लें, टोकरी बनाकर गुजारा करते हैं, पढ़ने को नहीं जाते। आखिर इसकी वजह? पढ़ लिखने का जी नहीं करता, पैसे कमाने का जी लगता है। वैसे है तो महानगर जहाँ पर लोग जुटते हैं केवल आमदनी की तलाश में, स्वाभाविक है पहली प्राथमिकता तो होगी पैसा कमाने की। हाँ, अगर वक्त मिला तो दूसरी चीजों के बारे में सोच लिया। ऐसी विपरीत स्थिति में बजाय मैदान से भागने के दूसरे तरीके खोजे गए, जो लोगों को साक्षरता केंद्र तक ला सकें, प्रेरित कर सकें खुद पढ़ने लिखने को। तब मदद ली गई लोक नृत्यों, गीतों और कलाकारों की, क्योंकि कला के जरिए कही गई बातें लोगों के दिलों में जल्दी समा जाती हैं, चाहे वो अनपढ़ हो या फिर पढ़ा लिखा ही। बात शुरू करते हैं भवाई से। दूर दराज देहात से लेकर शहर तक खेला जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य है ये। इसके दो पात्र होते हैं, रंगला और रंगली। रंगला और रंगली को भी साक्षरता के रंग में रंगा गया, समझाई गई इनके जरिए साक्षरता की बातें। कठपुतलियों का भी सहारा लिया गया, संदेश था जिसमें चलो पढ़ने साक्षरता अभियान में। जब भवाई और कठपुतलियों की अदाकारी की बदौलत लोगों के अंदर समझ जगने लगी कि उन्हें भी पढ़ना है, लिखना है, ताकि कल वे किसी का मोहताज ना रहें, कम से कम इन महिलाओं की जुबान से निकले शब्द तो यही कहते हैं। ये जो बहनों हैं जो हमारे यहाँ पे आके प्रोग्राम बताती है, इससे हमको ये शिक्षा मिलता है कि हमारे इधर अभण औरतें बहुत है और उनको कुछ पढ़ने नहीं आता है। जब ये बहनों आके हमको समझाती है, हम लोग पढ़ते हैं, तो हमको बहुत सी पढ़ने का हमको मिला है पढ़ने को। पहला अहिना हमारा विस्तार ना काश्मीर हमारे विस्तार लोगों ने लगता माता का स्वर्जन हतु से हमने लोगों को समझाया, लोगों को अच्छा लगने लगा और वो केंद्रों पर आने लगे। केंद्र में जाए लोगों हमें हमारे बालकों ने भी सिखावन आपी है कि तुम थोड़ा केंद्र में लगता माता सीखो। ये तो रही अहमदाबाद के एक इलाके में चल रहे वातावरण निर्माण की एक झलक। अब जरा दूसरे इलाके पर भी नजर डालते हैं। अरे ये क्या कथा हो रही है, वो भी सत्यनारायण भगवान की। दूर से देखने पर हमें भी ऐसा ही लगा था, मगर करीब जाने पर मालूम हुआ यहाँ तो सत्यनारायण की नहीं अक्षर नारायण की कथा हो रही है, जिसे महिलाएं बड़े चाव से सुन भी रही हैं। आरती भी दिखाई जा रही है और तो और प्रसाद भी बांटा जा रहा है। जरा पूछें कथावाचक महिला से, आखिर ये सब क्या हो रहा है? सत्यनारायण की कथा तो बद्दे ही चाले छे, पर अक्षर नारायण की कथा, सत्यनारायण की कथा तो हर जगह चलती है, पर अक्षर नारायण की कथा से लोगों को पढ़ने का महत्व समझ आया, इसीलिए अक्षर नारायण की कथा शुरू की। अब जरा कथा सुनने वाली महिलाओं की ओर भी चलें, उनसे भी जरा पूछताछ करें कि उनके हाथ कुछ लगा या नहीं। कथा सुनने के बाद हमें पता चला कि पढ़ने का कितना महत्व है। इनका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि पूरे शहर में पढ़ने पढ़ाने का वातावरण बन गया। इसके बावजूद भी दिक्कतें कम पेश नहीं आई। अलग अलग भाषाओं में किताबें नहीं थी जो सारे लोगों को पढ़ाई जा सके। स्वयं सेवकों की जो कमी थी सो अलग। प्रोग्राम में जो लिटरेसी कार्यक्रम चल रहा है केवल गुजराती लैंग्वेज में चल रहा है, और आजकल शहर इस प्रकार के मेट्रो सिटीज में हर तरफ से लोग आते हैं, हर लैंग्वेज के लोग शहरों में आते हैं बिकॉज लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो कोई उड़ीसा से आ रहे हैं लोग, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, कहीं केरला से लोग हैं, तो इस सब में फिर उनको
एक ही लैंग्वेज से पढ़ा देना एक मुश्किल चीज होती है। ऐसे में आगे आए ये नन्हे मुन्ने स्काउट्स जो अपनी गली मोहल्ले के बड़े बूढ़ों को बड़े चाव से पढ़ाते हैं और वे भी खूब मजे से पढ़ते हैं। इधर देखिए नन्हे मयूर को जो टांगना बाई रामचंद्र जोलकर का हाथ पकड़कर कैसे अक्षरों की दुनिया में ले जाने की कोशिश कर रहा है। इसकी वजह पढ़ाने में तो मेरे को खुशी आती है। क्यों खुशी आती है? पढ़ाए तो उनको कुछ हो सकता, उनके जिंदगी में कुछ उजड़ा आ सकता है, तो हम पढ़ाए तो हमारे को क्यों मिल सकता है ना। और टांगना बाई को तो मयूर से पढ़ने पर कोई झिझक नहीं महसूस होती, बल्कि उसे तो अच्छा लगता है। अरे शर्म तो लगते है, शर्म पे शर्म लगने की। अपने गीता जो है जब तक आप लोग कुछ आना चाहिए ना पढ़ने लिखने वाले। ये तो रही इस इलाके की बात, अब उनकी जिंदगी में उजाला कौन लाए जो पूरे शहर में उजाला बिखेर रहे हैं। दिन भर घूम घूम कर कूड़ा करकट बटोरते ये लोग शाम तक मेहनत करते और तब कहीं मिलते चंद पैसे मजदूरी के नाम पर। ज्यादा कुछ पूछताछ की तो दूसरे दिन काम से छुट्टी। लेकिन ये क्या, यहाँ भी साक्षरता से जुड़ी स्वयं सेविका आ पहुँची है मजदूरों को उनके हक से वाकिफ कराने के लिए। पढ़ने को केंद्र में जाने के लिए समय नहीं है तो क्या हुआ, पेड़ के तले केंद्र लगा लिया और समझाई ज्ञान की बातें सदियों से किताबों से दूर रही महिलाओं को। तभी तो अब ये हस्ताक्षर करके पैसा ही नहीं लेती बल्कि पुरुषों के बराबर मजदूरी भी लेती है। चलो भणता वे भणता नता इतले कई आवर्तू न तू एक हिसाब कर दे के पैसा गण दे कई न तू आवर्तू। पहले हिसाब करना पैसे गिनना कुछ नहीं आता था। ठेकेदार पुरुषों को हमसे ज्यादा पैसे देता था। पढ़ने के बाद हमें ये सब बातें समझ में आई। हमने ठेकेदार से कहा कि हमें बराबर पैसा मिलना चाहिए। तो थोड़ा आपने हिसाब करते आवे तो पुरुष ने बराबर आपने पैसा मिलवा दो। ये मेहनत करके ना मिलो पसी ये थोड़ा भण्या पसी आवड़ी तो हिसाब पसी हमें बात करी कि भाई हमने पैसा में काम बहुत करी छे तो पैसा में पुरुष जेटलू काम करे पुरुष जो पैसा आपवा जोईए तमारे तो एना प्रमाण अमारे पैसा मिलवा जोईए। अमारे ओसो पगार नहीं जोईए अमारे। अब जरा अहमदाबाद के एक किनारे में बसे मुस्लिम बस्ती में चल रहे साक्षरता कार्यक्रम का जायजा ले लें। वो भी एक वक्त था जब ये महिलाएं अपने घरों में दुबकी रहती थी, सिमटी रहती थी अपने काम काज में। मगर जब साक्षरता की तेज हवा इनकी तंकलियों से होकर गुजरी तो नतीजे साफ दिखने लगे। जैसे इस नन्ही सी बच्ची पठान राय अख्तर की ही बात लेते हैं। बल्दा पढ़ने या पढ़ने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है, पढ़ने से क्या मिल जाएगा, सब बोलते पन हम जबरदस्ती पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते जबरदस्ती? हमको शौक आता और है ना अच्छा भी लगता है। और जब पढ़ने लिखने लगी तो छोटे से दिमाग में क्या बात आई सुनिए जरा। हमारे मम्मी पापा 18 वर्ष के पहले से शादी करना चाहते थे, लेकिन अब हम जकिया बहन के पास पढ़ लिए तो अब ना शादी के लिए ऐसा कर सकते हैं कि अब 18 वर्ष के बाद ही ना शादी करेंगे। बाहरी दुनिया के लिए भले ही ये छोटी सी बात हो मगर यहाँ के लिए तो ये घटना मील के पत्थर के समान है। हमारे यहाँ अभी तक पढ़ने लिखने का रिवाज नहीं था, अब जब देखते हैं सबका तब हम लोग पढ़ने लगेंगे, थोड़ा थोड़ा आने भी हमको लगाएगा, अब अच्छी तरह से हम मतलब पढ़ सकते हैं। वरना कुछ दिन पहले तक तो हालात ये थे कि पहले जिस काम के लिए या जिस बात को अपने को किसी के सामने बताने के लिए वो उनमें झिझक थी, वो झिझक आज नहीं रही है। और उनमें जो अवेयरनेस आई है उसकी वजह से वो अपने अधिकार को समझने लगी हैं, चाहे घर में हो चाहे काम के स्थल पे हो या तो वैसे भी कहीं ट्रैवल भी कर रही हैं, तो वहाँ वो अपने अधिकार को समझती है और इस मामले में वो अधिकार लेके रहती हैं। जी हाँ, अब गर्व से कह सकते हैं सारे अहमदाबाद वासी, हम भी आगे बढ़ रहे हैं शहर की माफिक। और राज की बात, बस एक पढ़े और पढ़ाए। कहीं भी साक्षरता अभियान शुरू किया जाता है तो उम्मीद की जाती है कि वो बहुत सफल रहेगा, पर सफलता की सीढ़ी ठीक से पार की इसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है? जैसे कि एक संपूर्ण साक्षरता अभियान में 3 प्राइमर्स पढ़ाए जाते हैं और हर एक के बाद होती है एक परीक्षा जो कि पढ़ने वाले की लिखने पढ़ने और गणित की क्षमता परखती है। अभियान के अंत में होता है आंतरिक और बाहरी मूल्यांकन, पर अब मूल्यांकन के तरीके को बेहतर और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। In order to strengthen the evaluation process, you know, we are introducing the concurrent evaluation now. Under the concurrent evaluation, we would like to evaluate the important activities that every district is expected to do. For example, in concurrent evaluation, we would like to know how the survey was done,
in concurrent evaluation, we would like to know how the training of volunteers, training of master trainers, training of resource persons was done. And other important activities like the development of primers, how the development of primers was made and how the primers were distributed in the whole district. And we would like to also know how these committees at various levels are functioning. At village level, the village education committee, the panchayat, at panchayat level there are number of committees, at block level there are people's committees, and also at the district level we have some committees for different activities. We would like to know how these committees are functioning, how frequently these committees are meeting, and what sort of decisions these committees are taking, whether the NGO participation is there at all in these committees. You know, we would like to evaluate all these aspects, because ultimately the quality of the whole campaign we would like to improve. इस नए मूल्यांकन के जरिए अभियान की कमजोरियों और कठिनाइयों के बारे में पता लग पाएगा, जिससे कि अभियान को और मजबूत किया जा सके। साक्षर होने के बाद महिलाएं संगठित होकर सामने आईं। महिलाओं के बढ़ते कदमों ने गांव का पूरा विकास ही कर दिया। महिलाओं ने गांव की जंगल जमीन और वहां के पर्यावरण को सवार दिया। ये सारी बातें आपने सुनी और पढ़ी होंगी, पर अगर आप देखना भी चाहते हैं तो आपको हमारे साथ चलना होगा एक आदिवासी गांव में, देश का पश्चिमी भाग, महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ियां। इन्हीं पहाड़ियों के बीच जिला पुणे का एक गांव सौंदेन ठाकुरवाड़ी, ठाकर जनजाति के 68 परिवारों का एक आदिवासी गांव। वो तो सब ट्राइबल एरिया था, लोग आते होते तो सब लोग छुपे हुए थे, लेकिन उस बाद में साक्षरता का कार्यक्रम शुरू हुआ, उसमें तो सब इधर ही पेड़ लगा दिया। बाद में उसने लिफ्ट इरिगेशन बना दिया, महिला मंडल बना दिया, चूल्हा बना दिया, और उसके साथ ही उसने चराई बंदी, कुरहाड़ बंदी, अंधश्रद्धा और वो सामुदायिक बिहा वो उसने बना दिया है। इसके ये परिणाम साक्षरता का कार्यक्रम से हुआ है। साक्षात्कार से किस प्रकार इस गांव का विकास हुआ और कैसे पढ़ लिख लेने के बाद यहाँ की महिलाएं आपस में मिलकर गांव को संवारने के लिए सामने आई, और कैसे ये महिलाएं अपने आप में ही एक उदाहरण बन गई। अगर ये सब भी जानना और समझना चाहते हैं तो आपको आज से 5 साल पीछे जाना होगा, 5 साल पहले के इस गांव को देखना होगा जब यहां साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत नहीं हुई थी। पहले बाहरी समाज से अलग इस गांव में अगर कोई आ जाए तो ये लोग उठकर ही भाग जाया करते थे। गाँव में कुछ था नहीं सिवाय बंजर सी उजाड़ जमीन के, जो कुछ एक दो पेड़ बचे भी थे वो भी कटते जा रहे थे। खेती को जमीन थी पर पानी नहीं था, पानी तो पीने को भी नहीं था, काफी दूर से लाना पड़ता था। लोग अनपढ़ थे, इसलिए विकास होता क्या है इसकी ना तो जानकारी थी और ना ही जानने का कोई जरिया। फिर गांव में साक्षरता की बात चली, साक्षरता कार्यक्रम शुरू हुआ, पढ़ने पढ़ाने के गीत गूंजने लगे और पढ़ने की बातें गंभीरता से सुनी भी जाने लगी, और हर अच्छी बात पर खुशी से ताली भी बजाई जाने लगी। साक्षरता के साथ ही गांव की तस्वीर भी बदलने लगी। आज गांव में क्या नहीं है, सभी कुछ तो है, घरों में धुआं रहे चूल्हे लगे हैं, गंदे पानी के लिए सोखते गड्ढे बना रखे हैं, जिससे कीचड़ मक्खी मच्छर कुछ नहीं होने पाता। बायोगैस संयंत्र गांव में लगा है और बायोगैस चूल्हे भी घर घर में लगे हैं। बच्चों के लिए स्वास्थ्य शिविर और पौष्टिक आहार है। नव साक्षरों का अपना बचत बैंक भी है और गांव में विद्यालय भी। गांव में अब अच्छी चारा जमीन है और पहाड़ी पर अच्छा खासा वृक्षारोपण किया गया है। कल की बंजर जमीन पर मेहनत रंग लाती है और लहलहाती हरियाली खेतों में लहराती है। गांव में नकदी फसल भी अच्छी हो रही है और फलों की खेती भी खूब हो रही है। ये पहला बंजर जमीन था, लेकिन बाद में इरिगेशन लिफ्ट स्कीम होने के बाद पूरा इरिगेटेड एरिया हो गया और ये लोग अभी कैश क्रॉप लेने रह रहे। इसके कैश क्रॉप ये प्याज जो क्रॉप आ रहा है, इस क्रॉप से उसने अभी बहुत कैश मिल रहा है, गाड़ियां हफ्ते में एक बार आती है और बाजार में प्याज बिकना जाता है। इस सारे विकास और एक तरह से आदर्श गाँव के रूप में सामने आते इस गाँव के पीछे एक तरफ तो साक्षरता है और दूसरी तरफ गाँव की महिलाएं हैं। आए
इन महिलाओं के गीत हैं साक्षरता के, गांव के विकास के, समाज सेविका सावित्रीबाई फूले के और आपस में मिलजुल कर आगे बढ़ने के। आज गांव की महिलाओं का अपना मंगल दल है। ये महिलाएं पूरे गांव के विकास योजनाओं को खुद ही देखती हैं और खुद ही निर्णय लिया जाता है कि कहां क्या किया जाए। अब जैसे गांव में पीने और सिंचाई के लिए पानी की समस्या थी, महिलाओं ने इस समस्या को भी खत्म किया। आज गांव में पीने के लिए पानी की बड़ी सी टंकी है, खेती के लिए कलकल करता पानी है। या लिप्टा करता पंचायत समिति कडून खेड यांच्याकडून आम्हाला 2 लाख रुपये कर्ज मिळाले। त्यानंतर हे शिवरी आदिवासी पाणी पुरवठा सहकारी योजनेचे पाईपलाईनचे खोदई काम 40 दिवसाच्या आतमध्ये पूर्ण करण्यात आलं। 1 लाखाची टाकी आमच्या श्रमदानामधून बांधली गेली। या टाकीमध्ये पाण्याची क्षमता 25,000 लिटर आहे। आज अगर आप इस गांव में जाएंगे तो आपको देखकर कोई छिपेगा नहीं। अब तो शानदार स्वागत होगा आपका गांव सोंदेन ठाकुरबाड़ी में। जहां भी संपूर्ण साक्षरता अभियान सफल हो जाता है तो क्या उस जिले के पढ़ने लिखने के कार्यक्रम को खत्म हो जाना चाहिए? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का कहना है नहीं। ऐसी जगह और भी उत्साह के साथ शुरू किया जाता है उत्तर साक्षरता अभियान। इसका उद्देश्य पोस्ट लिटरेसी मटेरियल बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि लर्नर के अंदर जो बुनियादी साक्षरता की अवधि में अगर कोई कमी रह गई है पढ़ने लिखने के मामले में तो वो कमी दूर हो जाए और वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के लिए जो किताबें दी जाती हैं सेल्फ लर्निंग के लिए वो अपने उसे पढ़ने के काबिल हो जाए। तो मूल्यांकन के बाद पाया गया कि करीब 40% लर्नर ऐसे होते हैं जो कि स्वतः स्वावलंबन के स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए मंत्रालय ने यह निश्चय किया कि एक ऐसी सामग्री तैयार की जाए जिसमें कि लर्नर अपने आप पढ़ने के लायक हो जाए। तो यह ब्रिज कोर्स है जो गाइडेड लर्निंग जिसमें है और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग दोनों है। उसमें वही विषय जो IPCL प्राइमर्स में है अगर ठीक से कवर नहीं हुए हैं तो दोबारा दिए जाते हैं, अन्यथा ऐसी सामग्री दी जाती है जो रोचक हो, कहानियां हैं, चुटकुले हैं, मुहावरे हैं, ऐसी सामग्री उसमें खूब दी जाती है जिसमें उनके अंदर पढ़ने की एक ललक पैदा हो। ऐसा वॉलंटियर है ये, वही जो आपका प्रोग्राम जो डिजाइन है वो पहले की तरह वॉलंटियर बेस्ड है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे लर्नर वॉलंटियर की के ऊपर निर्भरता से मुक्ति उसको मिल जाए। तो उसमें ऐसी सामग्री वो खुद पढ़ेंगे और इसके बाद वो इस लायक बन जाएंगे कि बिना वॉलंटियर के वो सेल्फ डायरेक्टेड के लिए जो छोटी छोटी किताबें सेल्फ लर्निंग की हैं उसे पढ़ने के लायक हो जाए। फिर हम जो कंटिन्यूइंग एजुकेशन सेंटर्स हैं उन पर ऐसी सामग्री देंगे जो कि अपने आप पढ़ने के लिए होंगी, वो लेवल्स की होंगी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ग्रेडेड मटेरियल होगा जिसे कंटिन्यूइंग एजुकेशन लाइब्रेरीज के जरिए, रीडिंग रूम्स के जरिए हम लोग देने की विचार कर रहे हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम चाहते हैं कि इस समय उनका जो पढ़ने लिखने का स्तर है और जो बाजार में जो सामग्री मिल रही है, अखबार मिल रहे हैं, पत्रिकाएं मिल रही हैं, उसको पढ़ने के लायक हो जाए। तो इसके बीच में एक लंबा गैप है, इस गैप को फिलअप करने के लिए हम लोग लेवल 1 की लेवल 2 की लेवल 3 की किताबें देंगे। पहले 12 से 16 पेज की किताबें होंगी, उसमें 50% इलस्ट्रेशंस होंगे क्योंकि इलस्ट्रेशन से उनको पढ़ने में बहुत मदद मिलती है और उनको रोचकता बढ़ती है। फिर इसके बाद 24 से 36 पेज की किताबें हम उनको देंगे और इलस्ट्रेशन की संख्या कम कर देंगे, रीडिंग मटेरियल बढ़ा देंगे। इसके बाद तीसरे लेवल पर हम करीब 25% इलस्ट्रेशन देंगे और 40 पेज तक की किताबें उनको हम देंगे। इसी तरह से अगर शब्दों की संख्या लें तो पहले लेवल पर 600 शब्दों की किताबें हम बनाएंगे, दूसरे लेवल पर 1000 शब्दों तक की किताबें बनाएंगे और तीसरे शब्द पर हम 1600 2000 शब्दों तक की किताब बनाएंगे ताकि धीरे धीरे वो स्टेप बाय स्टेप बाजार में मिलने वाली किताबों के पढ़ने के लायक बन जाए। ये हमारा उनके पढ़ने लिखने के लिए उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा के कार्यक्रम की योजना है।
राजनीति और कृषि के अव्वल रहने वाला कर्नाटक का मांड्या जिला अब साक्षरता में भी राज्य के दूसरे जिलों से आगे बढ़ चला है। कर्नाटक के दक्षिण में बसे जिले में कल तक ये स्थिति थी कि शिक्षा के क्षेत्र में ये राज्य का सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था। इसका कारण था कि यहाँ की आबादी का ज्यादातर हिस्सा कृषि पर आधारित था। यहाँ के लोग सोचते थे कि पढ़ने लिखने का फायदा उन्हें खेती में कैसे होगा। इसी वजह से ये अपने बच्चों को स्कूल की बजाय खेती में लगाना बेहतर समझते थे। वैसे भी सारा दिन खेतों में काम करते करते ये खुद ही इतना थके होते थे कि अगर इन्हें कोई कलिका केंद्र में जाने के लिए कहता तो ये उसकी बात को अनसुनी कर देते। जैसे कि ईक के खेतों में काम करने वाली लक्ष्मा भी कलिका केंद्र इसी वजह से नहीं जा पाती है क्योंकि उसे लगता है कि जीवन में पढ़ाई की उपेक्षा काम ज्यादा जरूरी है। मेरे पास कलिका केंद्र जाने का समय नहीं है और मेरे लिए पढ़ने से ज्यादा जरूरी है खेतों में काम करना। बावजूद इन विपरीत हालातों के आज से 6 साल पहले जब मांड्या जिला साक्षरता ज्योति का गठन किया गया तो ये निश्चय किया गया कि किसी भी तरह से जिले से निरक्षरता रूपी अभिशाप को मिटाना है, चाहे इसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। शुरुआती दौर में जिले के कुछ हिस्सों में स्कूली छात्रों के साथ साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया, परंतु इसे आंशिक सफलता ही मिल पाई। मगर इसने एक स्वस्थ पढ़ने लिखने का माहौल बनाने का काम तो अवश्य किया। इसी की बदौलत ये अभियान जन जन के बीच पहुंच गया। इस अभियान को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए एर्नाकुलम और राज्य के अन्य जिलों में सफलता पूर्वक चलाए गए साक्षरता कार्यक्रमों के अनुभवों को आधार बनाया। सबसे पहले घर घर जाकर पढ़ने वालों की पहचान की गई। उन्हें ये भी समझाया गया कि पढ़ने लिखने का फायदा उनकी खेती व गृहस्थी में किस तरह से पहुंचेगा। इसके लिए उन्हें अलग से समय नहीं देना होगा, बल्कि जब भी उनके पास वक्त होगा उसी समय स्वयंसेवक जाकर उन्हें पढ़ा दिया करेंगे। माहौल बनाने के ही क्रम में दीवारों पर साक्षरता के नारे लिखे गए। गांव गांव में कला जत्थे साक्षरता गीत गाते गए। कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक किए जिसमें ये संदेश छिपा था कि निरक्षर आदमी को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जब वो पढ़ लेता है तो किस तरह उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। जब माहौल बनाने का काम हो गया तो दूसरी दिक्कत आई, करीब 4 लाख निरक्षरों को पढ़ाने के लिए स्वयं सेवकों को इकट्ठा करने की। इसके लिए मदद ली गई स्कूल व कॉलेजों में पढ़ रहे युवक और युवतियों की, जिन्हें बाकायदा इस कार्य के लिए प्रशिक्षित किया गया। निरक्षरों की रोजमर्रा से जुड़ी चीजों को ध्यान में रखकर किताबें तैयार की गई और मुस्लिम महिलाओं के लिए तो खास तौर से उर्दू में किताबें तैयार की गई। इतना सब कुछ होने के बाद तो कलिका केंद्र में पढ़ने वालों की संख्या देखते ही बनती थी। क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी एक साथ पढ़ने के लिए केंद्र में आने लगे। फिर वास्तविक अर्थों में जिले में शुरू हुआ साक्षरता ज्योति अभियान। चूंकि यहाँ महिलाओं में साक्षरता की दर काफी कम थी और अनपढ़ होने की वजह से ढेरों समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसका सही उदाहरण हमें देखने को मिलता है पत्थर काटने वाली जगह पर। जरा इस महिला को देखिए, दिन भर जीतोड़ मेहनत करती है तब भी उसे गुजारे लायक पैसा नहीं मिल पाता था। हमें अच्छा पैसा नहीं मिलता, बहुत तकलीफ उठाते हैं और जो मिलता है उसमें भी गुजारा नहीं हो पाता। शायद इन्हीं सब को देखकर कलिका केंद्र में बड़ी तादाद में महिलाओं की जमात पढ़ने को आई, जिसका नतीजा भी बाद में जाकर सामने आया। आज हर जगह महिलाओं का संगठन दिखाई देता है। अब कोई इनकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाता और आज ये अपना गुजारा खुद चला लेती है बगैर किसी पर आश्रित हुए। जैसे कि अब ये पत्थर काटने वाली महिलाएं सरकार से खुद ठेका लेती हैं और मुनाफे का बंटवारा आपस में राजी खुशी कर लेती है। पहले हम ठेकेदार के यहाँ काम किया करते थे जो हमें सही पैसा नहीं देता था। अब हम अपना काम करते हैं और पैसा भी अधिक कमाते हैं। और अगरबत्ती के काठी बनाकर गुजारा करने वाली शांतम्मा तो कहती हैं कि साक्षरता कक्षा में पढ़ने के बाद उसने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा।
पढ़ने लिखने के बाद मैंने सरकारी योजनाओं को जाना और अब पहले के मुकाबले ज्यादा पैसा कमाती हूँ। साक्षरता के चलते लोगों में आए बदलाव की बात पर यहाँ के जिलाधिकारी महसूस करते हैं। People are more aware now and the not only that literacy percentage has gone up, our the enrollment in the schools, especially of girl child, has improved. And people now they started questioning. See, earlier people they used to come to government offices through some mediators, like some politician or some small leader. They used to bring villagers to either DC, Tahsildar or the assistant commissioner. Now villagers they come on their own. Some of them they draft their own petitions and they try to explain. They come, they walk into my chambers and they explain their difficulties, which were not possible before we started this. ये तो मांड्या में संपूर्ण साक्षरता अभियान के दौरान हुए बदलाव की सिर्फ एक झलक मात्र ही है। अब तो इसके अंतर्गत सरकार के विकास कार्यक्रमों को भी जोड़ा गया है ताकि नव साक्षरों को अधिक लाभ पहुंच सके। आज इनके हाथ में है साक्षरता रूपी तलवार जिसके आगे सभी सर झुका देते हैं। पढ़ो लिखो भाई मेरी बहना, पढ़ो लिखो जी, आ ई क ख ग घ, पढ़ो लिखो जी, आ ई क ख ग घ, पढ़ो लिखो जी,